जनपद अमरोहा के रजबपुर में भाकियू असली ने कृषि बिल के विरोध में हाईवे जाम किया, जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुश्किलों का सामना करते हुए जाम को खुलवाया और किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। अमरोहा जनपद के रजबपुर कस्बे के नेशनल हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल, गन्ना बकाया भुगतान और अन्य किसानों से संबंधित मांगों को लेकर हाईवे जाम कर दिया और सरकार को जगाने का काम किया। भारतीय किसान यूनियन असली के नेता जिलाध्यक्ष चौधरी महावीर सिंह ने बताया कि हमारी निम्न प्रकार की मांगों को लेकर हमने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हाईवे जाम किया है और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग करने के साथ साथ कृषि बिल की समाप्ति की मांग की है। किसानों के द्वारा लगाए गए जाम की खबर मिलते ही अमरोहा के उपजिलाधिकारी शशांक चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह किसानों को समझाया, जाम खुलवाकर उनका ज्ञापन लेकर सरकार तक भिजवाने की बात कही। नाम है आपका? चौधरी महावीर सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज जो आपने जाम लगाया है, नेशनल हाईवे जाम किया है, क्या इस संबंध में किया है, क्या मामला? आज का जो हमारा ये चक्का जाम था, केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं उनको लेकर किसान जो है काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वो तीनों अध्यादेश किसानों के विपरीत है और विरोध में है। तो ये कार्यक्रम उसके लिए जो है आज रखा गया था। दूसरा, जब तक ये विधेयक सरकार वापसी नहीं देती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात ये है, चीनी मिलों का संचालन नहीं हुआ है अभी तक, किसान परेशान हैं और जो चीनी मिलें चली भी हैं उनके गन्ना केंद्रों पर घड़तोली शुरू हो गई है, गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है अभी तक। और दूसरा, किसान जो है अभी इसी वजह से असमंजस में है कि पता नहीं हमें जो है गन्ने का रेट आखिर मिलेगा क्या। दूसरा, गन्ने का समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित किया जाए, गन्ना घटतौली पर अंकुश लगाया जाए और समस्त गन्ने का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कराया जाए। दूसरा ये है कि आज एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर एक छक्का मारता है उसे सरकार 1 करोड़ रुपया देती है और हमारा कोई शहीद हो जाए वहाँ उसे 5 लाख 10 लाख रुपए, केवल 5 लाख 10 लाख रुपए देकर सरकार इतनी कर लेती है। तो हम चाहते हैं यदि क्रिकेटर को 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो शहीद के परिजनों को भी 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। पहले से प्रोग्राम था हाईवे जाम करने का और ज्ञापन देने का सरकार के नाम, लेकिन ज़्यादा देर यातायात व्यवस्था को दिक्कत नहीं हुई तो 5 मिनट के लिए और ज्ञापन ले लिया गया और अभी लोग सपोर्ट में। सर, किसानों की क्या मांग है इसमें? किसानों की जो विधेयक आया है उसी के अगेंस्ट मांग है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको सुधार किया जाए ताकि जिन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो हमारे स्तर से पूरा सरकार तक पहुंचाया जाएगा, इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखें। तो किसान मान गए? हाँ, अभी तो ये उठ गए हैं, मान गए, तो जाम अभी खुल गया है, बाकी इनका जो भी ज्ञापन है हम सरकार तक पहुँचाएंगे, फिर सरकार की जो जैसा भी डिसीजन रहेगा वो